केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बीच किसान शनिवार यानी कि 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करेंगे। किसान संगठनों ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी समूचे देश में राजमार्गों पर चक्का जाम किया जाएगा। किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा कि हम कल दिल्ली में चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, हम सभी बॉर्डरों पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। हम दिल्ली के अलावा पूरे देश में राष्ट्रीय और राज्य हाईवे बंद करेंगे। दोपहर 12 से 3 बजे तक ही चक्का जाम रहेगा। वहीं किसान नेता बलबीर सिंह राजोवाल और राकेश टिकैत की बैठक हुई। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड में भी कल चक्का जाम नहीं होगा। किसान नेता ने कहा कि हम सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे। दोपहर 3 बजे जब चक्का जाम खत्म होगा तो हम एक साथ 1 मिनट के लिए अपने सभी गाड़ियों का हॉर्न बजाएंगे। उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद होने से हमें काफ़ी समस्या हो रही है, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा यहीं से चक्का जाम कोऑर्डिनेट करेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जो लोग यहां नहीं आ पाए वो अपने अपनी जगहों से कल चक्का जाम शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, ये जाम दिल्ली में नहीं होगा। इस बीच चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस की किलेबंदी जारी है। वहीं दूसरी तरफ देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करने वाले मेडलिस्ट सिंधु बॉर्डर पर किसानों को शांतिपूर्ण रहने के लिए कह रहे हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित पाल सिंह संधु और पद्मश्री पहलवान करतार सिंह किसानों को तिरंगे का महत्व समझाने के लिए सिंध बॉर्डर पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट आज की खबर।